हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। यू आर वॉचिंग इंग्लिश गुरु और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन एरर्स के क्वेश्चन जो आपके एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप इस तरह से आप पढ़ लेते हैं तो और दूसरा कोई कॉमन एरर अगर किसी तरह का भी मिल जाता है इससे रिलेटेड तो आप आसानी से उसे सोल्व कर सकते हैं। और डियर, एक बात याद रखेंगे कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देंगे डियर। और एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप पीडीएफ फाइल किसी इंग्लिश की चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट www.englishgurulive.com पे भी जा सकते हैं। तो चलिए देखें, ये जो आपके कॉमन एरर्स होंगे ये मिक्स्ड कॉमन एरर्स हैं जो पिछले जो भी एग्जाम्स हुए हैं एसएससी के वहां से मैंने इसे लिया है, कलेक्ट किया है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, सच रूल्स डू नॉट अप्लाई टू यू एंड आई। कहां एरर होगा इसमें, थोड़ा कोशिश करें और देन हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें जरा एरर कहां है। चलिए डियर हम देखते हैं कि सच रूल्स, देखिए यहाँ पे हमारा प्लुरल नाउन है तो ये हमारा प्लुरल नाउन है तो इसके साथ हमारा वर्ब क्या आया, डू आया जो कि प्लुरल है तो यहां तक हमारा सेंटेंस सही है। अप्लाई सही है क्योंकि डू आया तो वी वन आएगा, कभी अप्लाइज नहीं होगा। ये चीज आप याद रखेंगे कि डू और डज के बाद हमेशा वी वन फॉर्म आता है। चलेंगे यहाँ पे हमारा आ गया प्रीपोजिशन, ए प्रीपोजिशन हो गया अप्लाई टू के लिए तो अप्लाई के साथ प्रीपोजिशन टू आया। अब प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है कि अगर कोई भी आप प्रेपोजिशन लिखते हैं तो प्रेपोजिशन के बाद हमारा आता है ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर, याद रखेंगे कि अगर कोई भी हम प्रेपोजिशन लिख रहे हैं तो उसके बाद आएगा ऑब्जेक्टिव केस। तो यू देखें, यू देखने से लग रहा है कि हमारा ऑब्जेक्टिव केस में है लेकिन ये जो आई है ये हमारा है, आई हमारा है सब्जेक्टिव केस में। तो अब दिक्कत आती है कि एक ऑब्जेक्टिव हो गया तो ये तो मेरा सही हो गया लेकिन अगर आई की बात करें तो ये सब्जेक्टिव है तो इसे भी हमें ऑब्जेक्टिव में बनाना पड़ेगा। टू यू एंड मी, क्या करना पड़ेगा हमें, टू यू एंड मी करना पड़ेगा तब जाकर के मेरा सेंटेंस सही होगा। फ्रेंड्स तो चलते हैं, देखें हम अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है इवन मेनी पीपल कैरी एन इन्फेक्शन विदाउट शोइंग इट सिम्टम्स। इसमें एरर कहाँ होगा, सबसे पहले हम कंडीशन देखते चलेंगे जो भी एरर हो सकता है। सबसे पहले मैनी देखेंगे तो मैनी के बाद आपको पता होगा कि मैनी हो गया टू थ्री फोर जो भी होता है, इसके बाद हमारा प्लुरल नाउन आता है तो मैनी के बाद हमारा प्लुरल नाउन, ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है यहाँ तक। अब देखेंगे कि जब प्लुरल नाउन हो गया तो प्लुरल नाउन के बाद जो वर्ब आएगा कैरी, ये हमारा प्लुरल फॉर्म में है, ये भी सही है, ये भी प्लुरल वर्ब है तो ये हमारा सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इन्फेक्शन, इन्फेक्शन एक अनकाउंटेबल नाउन है और अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके पहले आर्टिकल ए एन का यूज है जो गलत है। इट मीन्स हम कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए एन का यूज नहीं करते हैं तो यहाँ पे हमें एरर मिल गया कि कैरी इन्फेक्शन होगा विदाउट शोइंग इट्स सिम्टम। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द ट्रेवलर बींग वेरी ही सेट बाई वुड साइड टू रेस्ट। अब इसमें एरर जो आपको लग रहा होगा कि एरर कहां होगा, सबसे पहले ये देखेंगे यहां पे बींग का यूज देखेंगे तो ट्रेवल बींग वियरी ही सेट। अब देखेंगे कि एक वर्ब जो यहां पे सेट है इसका सब्जेक्ट भी ट्रेवलर है तो हमें सेम वर्ब के लिए दो बार सब्जेक्ट, सेम सब्जेक्ट को लगाने की जरूरत नहीं होती है, यानी यहां पे जो ही का यूज हुआ है ये गलत हुआ है। हमें होना चाहिए द ट्रेवलर बींग वियरी सेट बाई वुड साइड टू रेस्ट। क्लियर, तो चलते हम लोग नेक्स्ट है, आई एम क्वाइट सर्टेन दैट द लेडी इज नॉट ओनली ग्रीडी बट मिजरली। अब देखिए इसमें जो एरर है आई थिंक सबको पता चल गया होगा, ये कंजंक्शन का एरर है कि यहाँ पे जब हम फाइंड आउट करते हैं कि आई एम क्वाइट सर्टेन दैट द लेडी इज, देखेंगे द लेडी है, इज आया, कोई दिक्कत नहीं। नॉट ओनली के साथ आपका आता है बट ऑल्सो, नॉट ओनली के साथ जो कंजंक्शन आता है साथ में आता है बट ऑल्सो, यानी बट के बाद हमें ऑल्सो लगाना पड़ेगा मिजरली के पहले, ग्रीडी बट ऑल्सो मिजरली। आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे बट के बाद ऑल्सो लगाना जरूरी होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वॉज लुकिंग इम्पेशेंट एट द अनवॉन्टेड विजिटर हु शोड नो साइन ऑफ लिविंग द रूम। अब देखिए जरा कि यहाँ पे ही वॉज लुकिंग, सेंटेंस सही है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। इम्पेशेंट, अब जरा देखें इम्पेशेंट को अगर आप गौर करेंगे तो लुक है, अगर हम लुक के बारे में देखें तो लुक एक वर्ब है और जो वर्ब को क्वालिफाई कराता है वो आपका एडवर्ब होता है।
तो ही वॉज लुकिंग इम्पेशेंट होगा या इम्पेशेंटली होगा, तो यहाँ पे होना चाहिए ही वॉज लुकिंग इम्पेशेंटली एट द अनवॉन्टेड विजिटर। इट मीन्स अधीरता से वो लोगों को देख रहा था, अनवॉन्टेड विजिटर जो नहीं जानते थे, जो ना जाने वाले थे या जिनको नहीं चाहते थे वो भी लोग आ रहे थे। तो यहाँ पे लुक के साथ जो आपका आएगा, ये हमारा जो एडजेक्टिव दिया हुआ है इसे हमें एडवर्ब में चेंज करना पड़ेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलो तो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ आई कैन लेंड हिम माई पार्कर पेन फॉर अ फ्यू डेज। देखिए इसमें डियर एरर कहाँ कहाँ से हो सकता है, सबसे पहले हम वो फाइंड आउट करेंगे। जैसे माई फ्रेंड आस्क्ड, देखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट है और यहाँ पे आस्क लिखा हो जो कि V2 यानी पास्ट फॉर्म में है। जब मेन क्लॉज पास्ट फॉर्म में होगा तो जो आगे के क्लॉज होते वो भी पास्ट फॉर्म में होंगे। इट मीन्स ये जो कैन है ये हमारा कुड होना चाहिए, ये हमारा कुड होना चाहिए। तो होगा माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ आई कुड लेंड हिम माई पार्कर पेन फॉर अ फ्यू डेज। एक बात यहाँ पे डियर मैं और बता दूं कि अ फ्यू डेज, ये कभी आप फ्यू डेज नहीं लिख सकते, ये आप कभी भी फ्यू डेज नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। अब बोलेंगे कि सर ये गलत क्यों होगा, जो मैं आपको बता दूं गलत इसलिए भी होगा क्योंकि फ्यू एक निगेटिव एडजेक्टिव होता है। तो जब आप फ्यू डेज बोलते हैं इट मीन्स कोई दिन नहीं के बारे में बोल रहा है, तो सेंटेंस में आपका ये नहीं कह रहा था, कह रहा था कि कुछ दिन या एक दिन या दो दिन जो भी हो, अब फ्यू डेज इट मीन्स कुछ दिन। क्लियर डियर। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका द वुमेन अपीयर्स टू हैव सीन मोर हैप्पियर। डियर यहाँ पे देखेंगे कि डेज नहीं, इसे आप दीज डेज कर लेंगे, ठीक है। अब है यहाँ पे मोर हैप्पियर, इसे जरा देखें डियर। एक बात याद रखेंगे कि दो कंपेरेटिव इट मीन्स सीडी प्लस सीडी बहुत रेयर केस में हम लोग यूज करते हैं, जनरल केस में हम लोग कभी यूज नहीं करते। इट मीन्स एक कंपेरेटिव आपका मोर है और दूसरा कंपेरेटिव आपका हैप्पियर है। इट मीन्स डबल कंपेरेटिव, क्लियर। डबल कंपेरेटिव आप कभी भी यूज सेंटेंस में नहीं करते हैं, जब भी होगा तब एक कंपेरेटिव होगा, और अगर कहीं एक साथ दो कंपेरेटिव यूज होते हैं तो उसके कुछ सिचुएशन होते हैं जहां पे हम डबल कंपेरेटिव का यूज करते हैं। वैसे सिचुएशन के लिए आप एक दो वीडियो हमारे चैनल पे देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा डबल कंपेरेटिव हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो चलिए देख, सॉरी डियर आपको पता चल गया होगा एरर हमारा, ये मोर को हटाना पड़ेगा और सिर्फ हैप्पियर से काम हमारा चल जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका विल यू बी एट बोर्ड मीटिंग ऑन नेक्स्ट वेंसडे। नो एरर, कहाँ होगा विल यू बी एट बोर्ड मीटिंग, तो यहां तक तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑन नेक्स्ट मंडे को देखेंगे। देखिए डियर एक रूल कहता है कि अगर डे हमें लिखना होगा, डे का नाम अगर हमें लिखना है तो ऑन प्रीपोजिशन आएगा, ये सबको पता है, क्लियर। लेकिन एक चीज आपको और पता होनी चाहिए कि अगर डे के पहले हम लास्ट लगा दें या नेक्स्ट लगा दें, लास्ट या नेक्स्ट लगा दें, तब इस स्थिति में आपको क्या होता है कि कोई भी प्रीपोजिशन का यूज यहां पे नहीं होता है। इट मीन्स यहां पे ऑन को हमें हटाना पड़ेगा। विल यू बी एट बोर्ड मीटिंग नेक्स्ट वेंसडे। आई होप आपको समझ में कॉन्सेप्ट आया होगा कि कॉन्सेप्ट है कि डे के नाम के पहले ऑन प्रीपोजिशन आता है, लेकिन इफ देयर इज नेक्स्ट और लास्ट बिफोर द नेम ऑफ डेज, अगर दिन के नाम के पहले लास्ट या नेक्स्ट आ जाए आपके, तो सेंटेंस में कोई भी प्रीपोजिशन का यूज आपको नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर इज एक्टिंग इन दिस प्ले। कहाँ गलती होगा जो देखेंगे जरा, वन ऑफ डियर, वन ऑफ जैसे ही आप देखेंगे तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलना चाहिए, सबसे पहला काम कि अगर वन ऑफ है तो इसके बाद नॉन हमारा पुलर नॉन आएगा। अब देखिए वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर लिखा हुआ है यहाँ पे जो कि गलत है, हमें करना पड़ेगा इसे एक्टर्स, क्या करना पड़ेगा एक्टर्स करना पड़ेगा, तब जाकर के ये सेंटेंस हमारा सही होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखा, और डियर इसमें सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है। नेक्स्ट आपका है दसवें नंबर पे द चार्जेज इन दिस हॉस्पिटल आर लेस देन द हॉस्पिटल नियर माई हाउस। देखिए डियर यहाँ पे क्या किया है कि जो ये कंपेरेटिव डिग्री है, इट मीन्स जो तुलना किया गया है, सॉरी जो कंपेरिजन यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे जो कंपेरिजन किया गया वो गलत कर दिया गया है। गलत इन द सेंस कि द चार्जेज इन दिस हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल का चार्ज आर लेस देन, कम है द हॉस्पिटल नियर माय हाउस, मेरे घर के नजदीक जो हॉस्पिटल है उससे। तो भाई यहाँ पे हॉस्पिटल की तुलना नहीं हो रही है, यहाँ पे तुलना हो रही है चार्जेज की। इट मीन्स जो चार्ज इस हॉस्पिटल का लगता है उससे यहाँ का चार्जेज कम है या इधर का ज्यादा है, ठीक है।
अब बात आती है कि जब इसको हम सही कैसे करेंगे। दिया तो इसके लिए याद रखेंगे कि यदि आपको इस तरह से हो जाता है, ठीक है, तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले देखेंगे कि नॉन कैसा है। अगर नॉन सिंगुलर होगा, अगर सिंगुलर नॉन है, तो इसे रिप्लेस करना पड़ेगा डैट ऑफ से, इसे रिप्लेस करना पड़ेगा डैट ऑफ से। लेकिन अगर प्लुरल नॉन है, अगर कोई प्लुरल नॉन है और इसे हमें आगे कंपैरिजन दूसरे नॉन से करना है, तो वहां पे हमें लिखना पड़ेगा दोज ऑफ। क्लियर? तो आई होप समझ में आया होगा। द चार्जेज इन दिस हॉस्पिटल आर लेस देन दोज ऑफ द हॉस्पिटल नियर माई हाउस। सेंटेंस आपका सही होगा, द चार्जेज इन दिस हॉस्पिटल आर लेस देन द दोज ऑफ, यहां पे लिखना पड़ेगा दोज ऑफ द हॉस्पिटल नियर माई हाउस। इट मीन्स इस हॉस्पिटल का चार्ज कम है मेरे नजदीक जो हॉस्पिटल है उसके चार्जेस से। तो कंपैरिजन अब जाकर के सही हुआ, नहीं तो यहाँ पे कंपैरिजन थोड़ा उल्टा हो गया था। जैसे एक आध एग्जांपल्स मैं आपको और दे दूं हिंदी में बोल के सॉरी, जैसे अगर आप बोलते हैं कि जैसे बिहार की गाय दिल्ली से ज्यादा दूध देती है। अब इस सेंटेंस में कितना ऑकवर्ड लगेगा, कितना गंदा लग रहा है कि बिहार की गाय तो देती है दूध ज्यादा, जी किससे, दिल्ली से। सॉरी माफ कीजिएगा, दिल्ली से नहीं, दिल्ली की जो गाय है उससे ज्यादा दूध बिहार की गाय देती है। तो कंपैरिजन आपका ऐसा होना चाहिए, आपको बता दिया मैंने कि अगर सिंगुलर होगा तो आपको डेट ऑफ लगाना है, और प्लुरल होगा नॉन तो उसके लिए दोज ऑफ लगाना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, टी ग्रो बोथ इन आसाम एंड शिलोंग। डियर इसमें देखिए छोटा छोटा सेंटेंस आपके एसएससी एग्जाम में आता है, लेकिन दिक्कत फिर भी कर देता है। देखेंगे बोथ आया है तो क्या बोथ के साथ एंड आया है। सबसे पहले आप बोथ के साथ ये चीज देखेंगे कि बोथ आया तो एंड आया है कि नहीं आया है। तो बोथ आया तो भैया एंड आया है, ये सेंटेंस हमारा सही है, ठीक है। लेकिन अब इसके अलावे क्या क्या गलती हो सकती है जो देखें। टी ग्रो, अब जरा ग्रो वर्ब पे गौर करें। अब थोड़ा इस जो ग्रो वर्ब है कैसा वर्ब है, अब ये ट्रांजिटिव वर्ब है कि इनट्रांजिटिव है, और यहाँ पे चाय क्या अपने उगती है कि चाय को उगाया जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि नहीं जी चाय उगाया जाता है, इट मींस यहां पे होना चाहिए टी इज ग्रोन, टी इज ग्रोन, ना कि टी ग्रो, अपने आप चाय नहीं उगती है, इसे उगाया जाता है। तो इट मींस होना चाहिए टी इज ग्रोन बोथ इन आसाम एंड शिलोंग। क्लियर? तो यहाँ पे सेंटेंस आपके वॉइस से दिया हुआ है कि टी इज ग्रोन होगा ना कि टी ग्रो होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स, ऑल द फाइव सन्स ऑफ द ओल्ड मैन क्वेरल बिटवीन देमसेल्फ्स। ए इजी सेंटेंस है ये, ज्यादा आई थिंक डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। इसमें देखेंगे कि फाइव सन्स है, तो फाइव सन्स के बाद हम लोग क्या लिखते हैं जी, अमंग लिखते हैं। इसके साथ जो हम प्रेपोजिशन यूज करते हैं वो हमारा अमंग आता है। दो के लिए हम बिटवीन का यूज करते हैं, और दो से जैसे ही ज्यादा होता है उसके लिए हम लोग अमंग प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो आई होप इसमें और ज्यादा कोई गलती नहीं होगी। लेकिन और क्या गलती दे सकता है डियर, मैं ये भी आपको बता दूं। यहाँ पे देखिए फाइव सन्स है, अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने अमंग कर दी, यहाँ पे हमने सॉरी अमंग कर दी, ठीक है डियर, यहाँ पे बिटवीन के जगह पे आपको अमंग लिख के दिया गया, ठीक है, अमंग लिख के दिया गया, और यहाँ पे हिम सेल्फ लगा दे, ये आपको हिम सेल्फ लगा दे, तब क्या होगा, ये गलती हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा फाइव सन्स है जो कि प्लुरल है। जब प्लुरल होता है तो हम प्लुरल में क्या करते हैं कि जब प्लुरल नाउन हो तो प्लुरल नाउन के लिए हम लोग दे प्रोनाउन को कंसीडर करते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग हमारा जितने सारे एडजेक्टिव पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन को यूज करते हैं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि यहां भी आपको गलती दी जा सकती है। नेक्स्ट देखेंगे, वी आर फोर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स लिविंग इन दिस हाउस बट नीदर ऑफ अस इज सेटिस्फाइड विद इट। अब देखेंगे जरा इसमें, देखिए फोर ब्रदर्स आया है एंड सिस्टर्स आया है, ठीक है, इस घर में रह रहे हैं, बट नीदर ऑफ अस इज सेटिस्फाइड विद इट। अब देखें जरा इस नीदर को, तो याद रखेंगे आप कि इधर होता है, इसे आइदर भी लोग बोलते हैं, और एक नीदर होता है, ठीक है, इसे हम लोग नाइदर भी बोलते हैं, इधर या नाइदर, इसे हम इधर नीदर भी बोलते हैं। अगर इसके बाद सॉरी इसका यूज हम लोग दो के लिए करते हैं, सिर्फ कितने के लिए करते हैं, आइदर और नाइदर का यूज हम लोग सिर्फ और सिर्फ दो के लिए करते हैं। इट मीन्स यहाँ पे जो
नीदर का यूज किया गया, ये गलत किया गया। अब आएगा क्या, जो मैं आपको बता दूं कि अगर हम आइदर की बात कर लें पहले, जो कि यहाँ पे नहीं है, अगर आइदर आए तो आइदर के लिए आप एनी यूज करेंगे, आइदर दो के लिए हो गया, एनी दो से अधिक के लिए हो गया, क्लियर। अब बात आती है नीदर के लिए, कि जब हम नीदर की बात करेंगे तो नीदर के लिए नीदर आएगा दो के लिए, और इसके बाद जो दो से अधिक होंगे इसके लिए आएगा नन, तीन या तीन से अधिक, क्लियर। तो यहाँ पे नीदर ऑफ अस की जगह नन ऑफ अस इज सेटिस्फाइड विद इट होना चाहिए, क्लियर फ्रेंड्स। तो चलिए हम नेक्स्ट है, अगला अगला आपका वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी हमने पिछले वीडियो पिछले क्वेश्चन में देखा कि वन ऑफ था, तो यहाँ पे नॉन का एरर दिया था कि बेनिफिट, यहाँ पे बेनिफिट देता तो गलती हमें यहाँ पे मिल जाती, लेकिन यहाँ पे वन ऑफ के बाद बेनिफिट्स किया है जो कि हमारा सही है, वन ऑफ सॉरी वन ऑफ के बाद हमारा नॉन प्लुरल होना चाहिए, क्लियर। अब बात आती है कि ऑफ मशीन एज इज दैट आवर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हैज इंप्रूव्ड। अब जरा इस वर्ड को देखेंगे, वन ऑफ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ मशीन एज इज दैट, अब देखेंगे यहां भी आपको दिया जा सकता प्रॉब्लम इज से, क्यों। अब यहाँ पे अगर आर लगा देता तो ये गलती होता, क्यों, अगर आर लगाता तो आप सोचते कि भैया यहाँ पे बेनिफिट्स है तो यहाँ पे आर हो सकता है, लेकिन नहीं, अगर वन ऑफ से कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है और उसके बाद प्लुरल नाउन है तो प्लुरल नाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब नहीं होगा, वो किसके अकॉर्डिंग होगा, वन के अकॉर्डिंग होगा, तो वन के अकॉर्डिंग क्या आएगा आपका, इज आएगा, क्लियर। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई, तो नेक्स्ट देखें कि प्रॉब्लम आखिर कहाँ है। ये जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम लोग बोलते हैं, लाइफ नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो गलती आपको मिला कि एक वर्ड का रॉन्ग वर्ड यूज किया गया था कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हैज इंप्रूव्ड। आप देखेंगे यहाँ पे एक और बात बता दूं, यहाँ पे हैज ही होगा, हैव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड है। तो ये सारी चीजें आप क्लियर करते चलेंगे। डियर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोथ ऑफ यू टू कैन कम विद मी टू द प्ले टू नाइट। फ्रेंड्स एक गलती यहाँ पे आप इसे इरेज कर देंगे, ये थोड़ा सा राइटिंग मिस्टेक हो गया, बोथ ऑफ यू टू कैन कम विद मी टू प्ले टू नाइट, क्लियर, दा नहीं होगा वहां पे। तो देखिए बोथ ऑफ यू टू, अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम आपका है, ये देखिए बोथ का मतलब क्या होता है, अगर हिंदी की बात करें हम लोग तो इसका मतलब होता है दोनों, क्लियर, बोथ का मतलब होता है दोनों। टू का मतलब क्या होता है जी, टू का मतलब भी होता है दोनों। सर तो देखिए यहाँ पे कि बोथ ऑफ यू टू, तो भैया दोनों में से किसी एक का यूज हमें करना होगा, या तो हम बोथ का यूज कर ले या टू का यूज कर ले, क्लियर। इट मीन्स यहाँ का टू का यूज अगर हम हटा देते तो बोथ ऑफ यू कैन कम विद मी टू प्ले टू नाइट, तब जाकर के सेंटेंस हमारा क्लियर हो जाएगा कि इस टू का यूज हमें नहीं करना है। तो आई होप कि ये क्वेश्चंस जो भी थी, सारी क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया था जो ग्रामर से ज्यादा रिलेटेड होते हैं, ग्रामर्स के रूल आपको ज्यादा कंफ्यूज ना कर दे। तो ये सारी चीजें थी आपके आज के क्वेश्चन में, जो कि 50 क्वेश्चंस मैंने कराने की कोशिश करी। डियर अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिए। डियर यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। डियर अगर आप किसी भी चीज का पीडीएफ फाइल चाहते हैं, कोई भी पीडीएफ फाइल अगर आपको चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.englishgurulive.com। और अगर आप चाहते हैं कुछ और इंफॉर्मेशन जो कि मैं यूट्यूब पे शायद ना दे सकूं, तो आप हमें फेसबुक पेज भी हमारे लाइक कर सकते हैं, जो कि हमारी फेसबुक आईडी है facebook.com/englishgurulive। तो मिलते हैं डियर अगले वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।